Hello friends, welcome to my channel e-grammar and R tutorials. Now in this video we are going to see the correct use of some adjectives. इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं first and foremost. अब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, first का मतलब होता है first in order, मतलब पहला, and foremost का मतलब होता है leading, या फिर आप इसे बोल सकते कि most prominent, नामांकित जो है उसे हम कहते हैं foremost. Understood? शुरुआत करते हैं फर्स्ट से. फर्स्ट यानी कि पहला, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है इस एडजेक्टिव के बारे में. अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखिए. जैसे पहला सेंटेंस है, पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब इसके लिए यहां पर यूज किया फर्स्ट. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट ऑर्डर. यहां पे मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भले वो ऑर्डर पहले आया हो, सबसे पहला ऑर्डर हो, वो मैंने एक्सेप्ट किया. तो यहां पे मैं बोलूंगा आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट द ऑर्डर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थर्ड वन, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ अवर विलेज हु इज अ डॉक्टर. हमारे विलेज में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से वो पहला ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है जो डॉक्टर बना है. और लास्ट सेंटेंस देखिए, यूरी गगारियन वॉज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस. अब इन सब वीडियो, इन सब सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी. जब जहां जहां मैंने फर्स्ट का यूज किया है उसके पहले मैंने द ये आर्टिकल यूज किया, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है द वन एंड ओनली. तो इसलिए मैंने यहां पे एक आर्टिकल यूज किया द. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब आप फर्स्ट का यूज करते हो तो उसके पहले द ये आर्टिकल आपको यूज करना है. अंडरस्टूड? अब यहां देखते हैं हम फॉरमोस्ट. फॉरमोस्ट यानी कि लीडिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि मोस्ट एमिनेंट. अब इससे रिलेटेड, फॉरमोस्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. जैसे पहला सेंटेंस है, मिस्टर अमित शाह इज द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पंडित भीमसेन जोशी वॉज द फॉरमोस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू सर्व अवर ओल्ड पेरेंट इज अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी. इस सेंटेंस से आपको यह पता चलेगा कि फॉरमोस्ट हम एग्जैक्टली कहां यूज करते हैं. जैसे हमने यहां पे यूज किया पेरेंट्स, तो इससे ज्यादा आप ये भी यूज कर सकते कि कंट्री. टू सर्व अवर कंट्री इज अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी, आप ये भी बोल सकते हो यहां पे. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज वन ऑफ द कंट्रीज फॉरमोस्ट आर्ट्स सेंटर. ये एक आर्ट सेंटर है जो कंट्री का फॉरमोस्ट है. अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.